हेलो फ्रेंड्स मैं हूं जितेंद्र और आप देख रहे हैं एडोपीडिया ब्रेन अब तक हम लोग दो अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को एक पिक्टोरियल मेथड से हमने सीखा है कि कैसे उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम प्रूव कर सकते हैं इसके पहले वीडियोस में हमने सीखा था ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर सेकेंड वीडियो हमने सीखा ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर आज हम सीखेंगे दिस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो बहुत ही कॉमन है आप सब लोगों को ये पता है काफी अर्ली क्लासेस में आप लोगों ने सीखा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इसका एल्जेब्रिक प्रूफ तो हम सभी जानते हैं कि इसको हम एक्सपेंड करेंगे तो वी विल गेट इट दिस अगर हम इसको एक्सपेंड करेंगे तो अल्टीमेटली वी विल गेट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बिकॉज जैसे अगर आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे ए को बहुत नंबर से इट विल बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस अगेन बी को अगेन इन टू नंबर से अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं इट विल बी अगेन प्लस ए बी माइनस बी स्क्वायर एंड इट विल कैंसिल आउट द रिजल्टेंट विल बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो ये तो आप बहुत इजिली प्रूव कर सकते हैं बट ये जब आप पिक्टोरियल मेथड से इसको प्रूव करेंगे तो इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग है ना चलिए इसको सीखते हैं हम लोग कि कैसे वी कैन प्रूव इट ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी एंड आई एम श्योर यू विल लाइक इट ठीक है इसको हमने एक पिक्चर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है दिस इज ए स्क्वायर जिसका कि दो साइड दिस इज एंड दिस इज ऑल्सो ए राइट ये एक स्क्वायर है जो रेड कलर आप देख रहे हैं दिस इज ए स्मॉल स्क्वायर अगेन इसका एक साइड मैंने बी एज्यूम किया एंड दिस इज आल्सो बी तो टोटल साइड अगर ए है तो जो रिमेनिंग पोर्शन होगा इट विल बी ए माइनस बी एंड अगेन दिस इज आल्सो ए माइनस बी राइट अब हमें यह प्रूव करना है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर का मतलब है कि दिस इज अ कंप्लीट एरिया ऑफ दिस ग्रीन फिग ग्रीन प्लस रेड द कंप्लीट एरिया ऑफ दिस फिगर दिस इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बी इज वॉट बीज ए स्मॉल स्क्वायर विथ इच साइड बी सो दिस एरिया विल बी बी स्क्वायर दिस रेड एरिया विल बी बी स्क्वायर नाउ वी हैव टू प्रूफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब टोटल एरिया माइनस दिस रेड एरिया इट मीन्स इट विल बी टोटल ग्रीन एरिया तो दिस ग्रीन एरिया विल बी इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी चलिए इसको समझने की कोशिश करते हैं बेसिकली इस जो ग्रीन एरिया को हमने इस डायगनली एक कट किया एंड वी टेक इट आउट लाइक दिस यू कैन सी हमने दोनों साइड्स को लिखने की कोशिश की यहाँ पे दिस साइड जो था दिस इज ए आप देख सकते हैं दिस साइड इज ए माइनस बी एंड दिस बेसिकली एक ट्रेपो trape ट्रेपेजॉइड है एंड दिस स्मॉलर साइड इज जो दो पैरल साइड है का दिस स्मॉलर साइड इज इक्वल टू बी राइट तो वी कैन सी इट This is a minus b, this is a and this is b. And now I flip it this again. This longer side, though though parallel sides is longer sides, hai, I write it as a, a okay? This side, this is the perpendicular distance between the two parallel sides, this is a b. I write it here a minus b, right? A minus b and a minus b. And this small parallel sides b, I write it as b. तो हमने दोनों साइड्स में इसके डायमेंशन नोट किए हैं दिस इज ए दिस इज ए माइनस बी एंड दिस इज बी यू कैन सी बोथ साइड्स नाउ आई हैव टू प्रूव दिस दिस एरिया ऑफ दिस ग्रीन साइड्स सपोज अब मैंने इसको यहां से रिमूव किया एंड वी फ्लिप इट लाइक दिस फ्लिप करने के बाद बिकॉज ये जो हमारा टेपर्ड सेक्शन था इट इज इक्वल सो इसको फ्लिप करने के बाद हमने इसको यहाँ पे अगेन वी जस्ट पेस्ट इट द हेयर ना यू कैन सी एंड नाउ आई विल रिमूव दिस रेड पार्ट ये बहुत ही इंटरेस्टिंग हैथिंग बट ए रेक्टेंगल आप देख सकते हैं कि ये जो साइड ए था नाउ इट इज नथिंग बट ए रेक्टेंगल बिकॉज इनिशियली इट वॉज ए नाउ दिस लॉन्गर साइड एंड दिस स्मॉलर साइड कंबाइंड इट विल भी दिस इज नथिंग बट ए प्लस बी ये एक रेक्टेंगल के फॉर्म में आ गया जिसका एक साइड है ए प्लस बी और यहां भी ए प्लस बी दिस इज अगेन ए प्लस बी एंड दिस साइड इज ए माइनस बी रेक्टेंगल का दिस साइड इज दिस इज ए माइनस बी इंटरेस्टिंग ये एक सिंपल रेक्टेंगल है जिसका कि एक साइड ए प्लस बी है और दूसरा साइड ए माइनस बी है तो a plus B a minus B. तो इसका एक पिक्टोरियल मेथड आप लोगों को काफी अच्छा लगा होगा इन दिस वे जितने भी टू डायमेंशनल अल्जेबरिक एक्सप्रेशन है सारे अल्जेबरिक एक्सप्रेशन को वी कैन प्रूव इट इन पिक्टोरियल फॉर्मल्स को तो थोड़ा सा डिफरेंट वे में थिंक करने की कोशिश कीजिए और भी कई फार्मूलाज हैं उसका पिक्टोरियल फॉर्म में करने की कोशिश कीजिए एंड इफ यू फाइंड एनी डिफिकल्टी यू कैन मैसेज मी कि उसको हम पिक्टोरियल फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं देन आई विल डिस्कस विथ योर प्रॉब्लम्स ऑल्सो ओके